तो स्वागत है आपका कुकिंग विद आयुषी में। मैं आज आपके लिए मटन की रेसिपी लेके आई हूँ। तो सबसे पहले तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैरिनेट कर लेते हैं। उसके लिए हमने दही लिया है 1 कप, थोड़ा सा हल्दी और आधा चम्मच नमक लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करके आधे घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे। 1 किलो हमारा मटन था, उसके लिए हमने 700 ग्राम प्याज लिया है और 16-7 कलियाँ ली हैं लहसुन की, और थोड़ा सा अदरक लिया है, थोड़ा सा गोल मिर्च है, ये है जीरा, लौंग इलायची है, ये बड़ा इलायची है और ये छोटा इलायची है, और ये देखिए ये हमारा तेज़पत्ता है। ये फ़ौरन के लिए हमने मिर्च लिया है, ये हल्दी है, ये जीरा है, ये धनिया है और ये लाल मिर्च है। और दोस्तों ये भी हमारा फ़ौरन ही है, ये हम फ़ौरन में डालेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले मसाले को पीस लेते हैं। दोस्तों हमारा मसाला पिसा नहीं रहा है क्योंकि लाइट चली गई है, तो चलिए हम सिलबट्टे पे पीस लेते हैं। हमने एक पैन ले लिया है, तब तक हम प्याज को छौंक देते हैं। गैस ऑन कर दिया। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल रखेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम सबसे पहले जीरा डालेंगे और सब फ़ौरन डालेंगे। अब तेज़पत्ता और मिर्च को डाल देंगे, प्याज को डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढक देंगे और जब तक ढक देते हैं तब तक हम मसाला पीस लेते हैं सिलबट्टे पे। ये देखिए दोस्तों हमने मसाला पीस लिया है, सिलबट्टे पे पीसा है, इसलिए बहुत टाइम लग गया और बहुत मेहनत भी लगा है, पर इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। ये देखिए दोस्तों हमारा मटन भी मैरिनेट हो गया था। अब हम इसमें सब मसाला को मिक्स कर देंगे। ये देखिए ये है धनिया, जीरा, ये लाल मिर्च है और थोड़ा सा हल्दी। ये हम मसाले को इसमें मिक्स कर लेंगे। वन टेबल स्पून सरसों का तेल भी डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे एक बार अच्छे से। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए दोस्तों हम प्याज में नमक डाल लेंगे, नमक डालने से जल्दी पक जाएगा। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब हम मटन को भी इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको ढक देंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा हल्दी थोड़ा कम है तो हम इसमें थोड़ा हल्दी और डालेंगे और फिर इसको ढक देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और इसको ढक के अच्छे से भूजेंगे। ये देखिए दोस्तों बीच बीच में चेक करते रहना है और इसको अच्छे से चलाते रहना है, इसको बहुत भूजना पड़ता है, बहुत भूजने से टेस्ट अच्छा आता है। ये देखिए दोस्तों हमने तकरीबन 35 मिनट तक इसको भूना है अच्छे से और उसके बाद हम इसको कुकर में डाल के सीटी लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों हमने कुकर में डाल दिया है मटन को, अब इसमें हम आधा गिलास पानी डालेंगे। अब मीट मसाला डालेंगे 1 चम्मच और हम इसमें 1 चम्मच बटर डालेंगे। बटर डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और कुकर बंद कर देंगे।
चार विसल लगा देंगे हम और उसके बाद गैस ऑफ कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, गैस हमने बंद कर दिया है, 4 विसल हो गया था। अब चलते हैं, अब हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने सर्व कर लिया है और कितना अच्छा दिख रहा है और इसकी टेस्टी खुशबू भी आ रही है। और दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा और ऐसे वीडियो देखते रहिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।